हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश डीआईवाई वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे कार टायर शीटिंग। यस, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में कार टायर शीटिंग आइडिया शेयर किए हैं, बट दिस टाइम इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस वी नीड अ कार टायर, टू पीस ऑफ प्लाईवुड एज पर द साइज ऑफ योर टायर, फोम सीट, लेग्स एंड ऑफकोर्स फैब्रिक। सो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, हम टायर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे एंड ड्राई करके रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल पेंट द टायर। इसके लिए मैंने एशियन पेंट का प्रीमियम इमल्शन वाइट बेस पेंट यूज़ किया है एंड इसके ऊपर आप दूसरा कोई भी पेंट अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा बैक साइड का प्लाईवुड है उसमें हम लेग्स अटैच कर लेंगे यूजिंग दिस स्मॉल नेल्स। ये लेग्स मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से परचेज किए हैं, 35 रुपीज ईच। एंड आवर लेग्स आर अटैच्ड। नेक्स्ट हम जो प्लाईवुड है उसे टायर के साथ अटैच करेंगे यूजिंग दिस बिगर नेल्स। और ये हमारा रेडी है। नेक्स्ट हमें प्लाईवुड का दूसरा पीस लेना है। डोंट कंफ्यूज विद द कलर ऑफ द प्लाईवुड, ये प्लाईवुड ही है जो पहले से पेंटेड है। तो इसमें जो फोम सीट है उसे हम हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम हमारा फैब्रिक लेंगे और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। ओके, सो इस बार का टायर सेटिंग डिफरेंट इस तरह से है कि इस बार की सीटिंग में हमने लेग्स अटैच किए हैं जो पहले के सेटिंग्स में नहीं किए थे। मैं बाकी टायर सेटिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो, कि जो लास्ट टाइम टायर सेटिंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, सेम वही टायर मैंने इसके लिए भी यूज़ किया है। एंड फैब्रिक को प्लाईवुड के साथ अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर स्टेपलर गन यूज़ किया है। एंड हेयर वी आर डूइंग सेकेंड राउंड ऑफ स्टेपलिंग फॉर बेटर फिनिशिंग। एंड दैट्स इट, आवर टायर सेटिंग इज रेडी। यू कैन यूज इट एट एनी कॉर्नर ऑफ योर होम टू क्रिएट अ कोजी सिटिंग सेटअप। और आप चाहो तो अपनी बैल्कनी या फिर गार्डन के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड बेस्ट थिंग अबाउट इट कि आपको इसमें एक स्टोरेज भी मिलता है जिसमें आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग। तो ये था आज का DIY, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो और आप इसे रिक्रिएट करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक नए DIY वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।